हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूं माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है एक खूबसूरत से पौधे के ऊपर है जो कि ये मेडिसिन प्लांट है। तो दोस्तों, इसको किस तरह से लगाना है इसके बारे में है। इसको कटिंग से लगाया जाता है जो कि मैं आज कटिंग लगाकर आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैं बता रहा था ये मेडिसिन पौधा है, ये शुगर के रिलेटेड काम करता है। इसका नाम है इंसुलिन। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको YouTube पर सर्च करें। मैं गार्डनिंग करता हूं तो मैं इनको लगाने के बारे में बता सकता हूं, तो मैं लगाने के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने इसको आज से 4 महीने पहले कटिंग से लगाया था, तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी हो चुकी है। जब मैं इसको बड़े पौधे में लगाऊंगा तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या है कि ये एक जिस तरह से मेडिसिन पौधा है तो हमारे गार्डन के अंदर बहुत अच्छी खूबसूरती देता है। इंडोर प्लांट भी है, इसको हम इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी प्लांट लगा सकते हैं। इंडोर लगाते हैं तो इसके कुछ पत्ते इस तरह से ग्रीन रहते हैं और आउटडोर लगाते हैं तो थोड़ा सा पत्ते येलो शेड में इस तरह से किनारों से जो सूखते रहते हैं हल्के हल्के से, लेकिन ये पौधा मरता नहीं, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। तो चलो आगे बात करते हैं किस तरह से इसको लगाते हैं। दोस्तों, ये है इंसुलिन की कटिंग, आप देख सकते हैं। कटिंग जो लेना है आपको काफी ज्यादा मैच्योर जो होती है, यानी कि तकरीबन 6 महीने या 1 साल पुराना कटिंग लेना है आपको। जो कटिंग लेना है उसको सबसे पहले जो नीचे का पोर्शन काटना है उसको तिरछा काटना है, इस तरह से। तिरछा क्यों काटते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो रूट्स होते हैं इसके यहीं से निकलते हैं। कभी भी गमले को आपको ऊपर तक फिल नहीं करना है, एक चीज का ध्यान भी रखना है मिट्टी से। मिट्टी के अंदर नई मिट्टी लें आप, या गार्डन जो गमलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिट्टी ले लें आप पुरानी। इसके अंदर खाद वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली इस तरह से लगा दें बिना किसी रूट हार्मोन के। पानी ला के इसको, पानी इस डालकर इसको किसी भी शेडेड एरिया के में आप रख दें। ये देखिए आप, मैंने जो 3 कटिंगें लगाई थी इसके अंदर, जो एक कटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से नए लीव्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो 2 कटिंग के अंदर भी बहुत जल्दी ही इसी तरह से पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे।